हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लॉगरिथम और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम स्ट्रेट अवे आके क्लास 11th में पढ़ते हैं, जबकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखिए, चाहे वो कैट हो या फिर AIEEE हो या फिर आप चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, उसमें लॉ के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, ये मेरे समझ से बाहर की बात है कि क्यों उसको हम लोग CBSE के करिकुलम से, बेसिकली 10th क्लास तक के करिकुलम से उसको हटा दिया गया। ना वो 9th में है, ना वो 10th में है, कभी नहीं। स्ट्रेट अवे बच्चे आते हैं क्लास 11th में आके लॉगरिथम पढ़ते हैं, और लॉगरिथम का वो भी लॉगरिथम जो पढ़ते हैं बेसिकली ये किसी दूसरे चैप्टर के किसी एक छोटे से सेक्शन में लॉगरिथम के रूल्स वगैरह सब मेंशन कर दिए गए रहते हैं। एंड आई हैव सीन कि जब भी स्टूडेंट्स लॉगरिथम को देखते हैं तो वो डर जाते हैं, जबकि ऐसी बात है नहीं। लॉगरिथम बहुत डिफिकल्ट ऐसा कुछ है नहीं, बट क्योंकि स्टूडेंट्स ने कभी उसको एक्सक्लूसिवली किसी क्लास में नहीं पढ़ा है तो उनको इसमें दिक्कत आती है। तो इसलिए मैंने आज का ये वीडियो डिज़ाइन किया है कि मैं इसमें लॉगरिथम का आई विल ट्राई टू गिव इन एंड आउट ऑफ द लॉगरिथम, जो भी इसके अंदर बातें हैं पूरी तो नहीं दे सकता, पर जितनी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जो जरूरी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँ। एंड आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू। तो पहले आ जाते हैं इसके डेफिनेशन पे। एक्चुअली लॉगरिथम होता क्या है पहले वो चीज़ समझते हैं। इफ़ a^b इज इक्वल टू, अगर c होता है देन इससे हम लोग लिख सकते हैं लॉगरिथम इसका रिजल्ट कि log ऑफ c विथ बेस a विल बी इक्वल टू b। मतलब a^b इज इक्वल टू c होगा, बेसिकली इसको इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है, मैं एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ कि log ऑफ मान लीजिए 16 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें ये निकालने की कोशिश करना कि 2 का कौन सा पावर 16 होगा। तो आप बोल सकते हो 2 का फोर्थ पावर 16 होता है, तो इसलिए आंसर 4 जाएगा, बिकॉज दैट इज 2^4 क्या होता है 16। तो क्या हो रहा है, 2^4 हो जा रहा है 16। तो ये इस तरीके से, तो log ऑफ मान लीजिए मैं अगर करता हूँ log ऑफ 100 10 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मान लीजिए मैं करता हूँ log ऐसा करता हूँ तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली इसके एग्जांपल्स हैं कि लॉगरिथम का मतलब ही ये होता है। अगर मैं ऐसा लिख दूँ log ऑफ x^5 तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ऑब्वियसली x का कौन सा पावर x^5 बनेगा, तो x का 5th पावर x^5 बनेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसको, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, क्या मैं बोल सकता हूँ कि log ऑफ 16 ये 4 होगा, तो ये गलत है। ठीक है ना, ये गलत है। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि log का लिमिटेशन क्या होता है। यहाँ पे जो आप चीज़ देख रहे हो ये चीज़, ठीक है ना, इसमें a और c दोनों ही ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, पहली चीज़ ये है। ठीक है ना, log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स, नाइदर द बेस कैन बी नेगेटिव और 0। ठीक है, c का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता, ये चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। c का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव हो सकता है, वैसे ही a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव हो सकता है, और a का वैल्यू 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, a का वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 1। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप ऐसा मान लीजिए, लिख लिया आप ऐसा, ठीक है, अभी 1 का कोई भी पावर रेज करने से तो 1 आएगा। फिर ये तो मतलब ऐसी बात हो गई कि अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो यहाँ पे c की वैल्यू सिर्फ 1 हो सकती है और कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि a का वैल्यू 1 भी नहीं हो सकता। सो बेसिकली दिस थिंग, दिस बेस, लॉगरिथम का जो बेस होता है दैट इज डिफाइंड ओनली व्हेन a इज पॉजिटिव एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये जो चीज़ मैंने बोला कि ये जो चीज़ है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, वैसे ये जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि सिर्फ लॉगरिथम फंक्शंस का डोमेन निकालने में। क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चंस आ जाते हैं क्लास 11th में, मैंने देखा है कि लॉगरिथम क्वेश्चंस का डोमेन जैसे ही लॉगरिथम देखते हैं बच्चे एकदम सर हमको तो लॉग नहीं आता बोलते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम से डरने की जरूरत नहीं। इतना इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, जितना मैंने अभी बोला इतना इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, तो आप डोमेन फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए इसमें एक और चीज़, ठीक है, हम लोग जो लॉग लिखते हैं, क्योंकि हम लोग लॉग में बार बार इसका एक्सप्रेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप इसको लॉग लिख रहे हो, यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हो, यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हो, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है लॉग का पहले मैक्सिमम यूज़ कहाँ पे होता है। एक तो लॉग का यूज़ होता है जब साइंटिफिकली जब यूज़ होता है तब, तो उसका बेस होता है ई। ठीक है ना, तो ई जो है यूलोस नंबर है। अब इसका यूज़ ई में होता है तो
यहाँ पे कुछ भी है, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, लेट्स से ये 5 है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम इस चीज़ को इस तरीके से लिख देते हैं, इसका मतलब है कि बेस ई है, ठीक है। तो या फिर कहीं कहीं पे आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखी हुई रहती हैं, ln लिखी रहती हैं, log नहीं लिखी रहती, ln, ln का मतलब है नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। नेचुरल लॉगरिथम जो होता है इसका बेस नेचुरल लॉगरिथम का, ln का जो बेस होता है उसको e ही माना जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। मतलब अगर इस तरह से लिखा गया है तो आप इसको बोल सकते हो कि ये ऐसा होगा जहाँ पे बेस e है, या फिर बेसिकली सेम चीज, ठीक है। तो ln, तो कहीं कि किसी किताब में अगर आप ln देखते हो तो ln का मतलब वही है कि वो log with बेस e है, ठीक है। और जो कॉमन लॉगरिथम है, जो हम लोग स्कूल में बेसिकली मैंने पढ़ा था और काफ़ी सारे जैसे ICSE के बच्चे भी पढ़ते हैं कॉमन लॉगरिथम, उसमें बेस होता है 10। तो उसमें भी आप पाओगे कि लॉग के नीचे कुछ नहीं लिखा गया रहता है, और उसमें नॉर्मली बोला जाता है कि डिफ़ॉल्ट बेस हमारा 10 चल रहा है, तो ये 2 होता है, तो उसमें आप पाओगे कि इसको ही 2 माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे बेस में कुछ नहीं लिखा जाता, तो बेस में बेसिकली क्या है 10 है। तो ये तो हो गया कॉमन लॉगरिथम, और ये हो गया नेचुरल लॉगरिथम। हम लोग नेचुरल लॉगरिथम नॉर्मली साइंटिफिक यूज़ में ज़्यादा काम आता है, मतलब सीनियर क्लासेस में ये ज़्यादा काम आता है, और सिखाने के लिए जूनियर क्लासेस में कॉमन लॉगरिथम्स पढ़ाई जाती हैं, जो कि आजकल बेसिकली CBSE के करिकुलम से तो हटा ही दिया गया है, ठीक है। और ICSE के बुक्स में ये पाई जाती है, तो ये थोड़ी, ये जो है ICSE बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है कि जब वो क्लास 11th में आते हैं लॉगरिथम को उतनी डिफिकल्ट नहीं लगती। अब आ जाते हैं लॉगरिथम के रूल्स में, ठीक है। लॉगरिथम बिना रूल्स पढ़े, लॉगरिथम पढ़ने का ऐसा कोई सच कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका जो पहला रूल है, सबसे मोस्ट ईजी टू लर्न और जो एकदम बच्चे देख के खुश हो जाते हैं, वो है log 1। log 1 हमेशा 0 होता है। मैंने देखिए, मैंने बेस कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। इनफैक्ट बेस चाहे कुछ भी हो, ये हमारा 1 ही होता है, बिकॉज एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, तो log 1 इज ऑलवेज 0। जब भी सी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना, उसमें हमारा आंसर 0 आता है, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी। सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो है log ऑफ बेस अगर m है, ये a इंटू बी अगर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log a विथ बेस m प्लस log b विथ बेस m, ठीक है ना। यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, देखिए ये अंदर इंटू हो रहा है, लेकिन इधर आके ये क्या हो गया, प्लस हो गया। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो तो रहा है, लेकिन इंटू बन जाता है प्लस। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं इस चीज़ को। लेट्स से कि हम लोग कर रहे हैं log 10, मैं कुछ 10 लाख ले लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू ये देखिए क्या है, ये 10^6 है। अगर इसको गौर से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने जीरोस हैं उतना, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 6, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इस चीज़ को चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता था, मैं चाहता तो इसको ऐसा भी लिख सकता था, ठीक है। अब मैं वैलिडेट करूँगा अपना रूल को, मेरे रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरे रूल के हिसाब से होना चाहिए ये 10,000, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 lakhs लिखा था, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर मैं देखूँ 4 0 है तो ये 4, सॉरी ये इंटू नहीं होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। और ये 2 6, ठीक। तो वैलिडेशन हो रहा है हमारा फॉर्मूले का। हम लोग इसमें फॉर्मूला का बेसिकली वैलिडेशन ही कर सकते हैं, प्रूफ में जाएंगे तो इट ऑल ऑब्वियसली वो प्रूफ का कोई मतलब नहीं है। हम लोग नॉर्मली वैलिडेशन करके अगर फॉर्मूले को समझ जाएं लॉजिकली तो ज़्यादा काम का चीज़ है, रादर देन प्रूविंग इट और डूइंग समथिंग एल्स अबाउट इट। तो इस तरीके से तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है पर इंटू बन जाता है प्लस। सिमिलरली हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी इसी का, मैं डिविजन वाला चीज करूँगा, लॉग ऑफ ए बाय बी विथ बेस एन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो इधर हो जाएंगे माइनस लॉग ऑफ। इसका सीधा कनेक्शन एक्सपोनेंट्स के रूल के साथ है, हर एक्सपोनेंट के रूल के लिए एक लॉगरिथम का रूल मिलता है हमको, ठीक है। तो आप चाहें तो आप हर एक का रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, जैसे ये इसका ये कौन से एक्सपोनेंट के रूल से अगर आया पूछा जाए, तो आप बोल सकते हो सर ये 8^0 = 1 के रूल से आया, ये कौन से रूल से आया, ये वाला रूल आया m^a × m^b अगर होता है तो ये हो जाता है m^a + b वाला रूल है।
ठीक है। सिमिलरली ये है डिवाइड वाला, मतलब एम टू द पावर ए डिवाइड बाई एम टू द पावर बी हो जाता है एम टू द पावर ए माइनस बी, तो ये वहाँ से आया। तो ये सब चीज़ों को प्रूफ तो किया जा सकता है, पर हम लोग प्रूफ में नहीं घुस रहे हैं। मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि ये जो रूल्स आ रहे हैं ये एक्सपोनेंट्स के रूल से ही ये रूल्स आ रहे हैं, तो आपको ये सारे रूल्स जो हैं कुछ कुछ करके याद करने पड़ेंगे। मैं और भी फर्दर रूल्स इसके दूंगा, तो ये तो तीन हो गए। नंबर फोर, लॉग ऑफ, अगर ऐसा कुछ है तो ये बन जाता है वन बाय लॉग ऑफ, मतलब अगर हमको इंटरचेंज करना हो ठीक है बेस और पावर को, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको आप कोई एग्जांपल लेके देख सकते हैं इसको। लेट से ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए, ये टू होना चाहिए ठीक है। और वही चीज़ अगर मैं ऐसा करूँ ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ फोर का स्क्वायर रूट होगा टू, मतलब फोर का टू दी पावर होगा टू, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए टू। देखिए ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए ना, ठीक है, तो वही चीज़ होता है वो, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो। नंबर फाइव, सबसे मतलब ईजी है, जैसे हम लोग सेकेंड रूल जो देखे थे मल्टीप्लीकेशन होने से बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव में ऐड हो जाते हैं ठीक है, उसी का एक्सटेंशन है ये ए टू द पावर फोर है। मान लीजिए मतलब आपका यहाँ पे जो नंबर है वो पावर में है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस पावर को हटा के यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो या फिर मैं इसको थोड़ा सा एक जनरल करने के लिए, ठीक है बेस एम है ए टू द पावर एन है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ दिस विल बी एन लॉग ऑफ ए विथ बेस एम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे वही लेट्स से कि मैं बोलूं थ्री टू द पावर लेट्स से 81 है ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि थ्री का फोर्थ पावर 81 होगा, तो आंसर फोर होना चाहिए। इनफैक्ट मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं थ्री टू द पावर फोर, पावर इधर हो जाएगा तो फोर लॉग थ्री थ्री इज इक्वल टू वन। अच्छा ये भी आप नोट कर लीजिए एक रूल के हिसाब से कि इसको कि सिक्स बोल लीजिए कि लॉग ऑफ एनी नंबर विद द सेम बेस ये ऑब्वियसली वन होगा ठीक है ना, या फिर इसको मैं थोड़ा जनरलाइज करने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये वन होता है। अच्छा यहाँ पे अगर वन हो तो ये जीरो होता है, और ये दोनों अगर सेम है तो ये वन होता है ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला रूल, सिंपली आप जब लॉगरिथम कर रहे हैं तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है हर हमेशा कि इसका कौन सा पावर ये नंबर बनेगा ठीक है, इसका फोर्थ पावर ये नंबर बनेगा उस तरीके से, लेकिन हर हमेशा आपको पावर पता नहीं चलेगा। जैसे मैं अगर कभी लिख दूं ऐसा कि लॉग टू 15 लिख दूं, लॉग 15 और बेस 2 लिख दूं, ऐसा कुछ लिख दूं, तो इसमें ऑब्वियसली आप बता नहीं सकते कि 2 का कौन सा पावर 15 बनेगा ठीक है। तो उस जगह में फिर हम लोग उसको दूसरे तरीके से फिर टैकल करते हैं ठीक है, तो वो तो डिपेंडिंग अपन द क्वेश्चन उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ठीक है। जैसे अगर हमारा बेस का हम कुछ पावर कर दें, बेस का पावर मान लीजिए एन कर दिया है और यहाँ पे ये एन है, तो हम इसको बेस से चाहे तो हटा सकते हैं, बेस सकते हैं हमको वन बाई एन जो है आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नंबर एट, ये भी थोड़ा सा देखिए बहुत काम की चीज़ है, अगर हमको बेस चेंज करना हो, अगर बेस हमारे कंफर्ट का बेस नहीं है और बेस चेंज करना हो, लेट से कि ये है ऐसा बेस हमारा ए है और लॉग बी निकाल रहे हैं, तो हम लोग चाहें तो कोई भी अपने मतलब का बेस हम लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं ठीक है, बस हमको करना ये है कि हम लोग लॉग बी बाय लॉग ए कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग कोई भी बेस यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 10 डाल सकते हैं, इसमें 100 डाल सकते हैं, नॉर्मली हम लोग अपने कम्फर्ट के हिसाब से नॉर्मली क्या करते हैं इसमें 10 डाल देते हैं, क्योंकि होता यह है कि जो लॉग टेबल्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वो बेस 10 के हिसाब से डिज़ाइन की मतलब लिखी हुई रहती हैं, तो इसलिए आप इसको बेस 10 में लिख सकते हैं। हाँ, केमिस्ट्री में बेस 10 यूज़ होता है, तो अगर बच्चे देख रहे हैं उनको लॉग समझना है तो आपको बेस 10 अगर बनाना हो तो इस तरह से कर सकते हैं आप। इनफैक्ट मैं एक एग्जांपल ही दे देता हूँ कि लेट से मेरे को ये निकालना है लॉग 3 विथ बेस 2 निकालना है ठीक है। अब क्या होता है कि लॉग 3 विथ बेस 2 ना स्टूडेंट्स को लॉग 3 पता होता है, लॉग 2 पता होता है ठीक है, लेकिन लॉग 3 विथ बेस 2 क्या होगा पता नहीं, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, आप इसको लॉग 3 बाय लॉग 2 कर दिया, यहाँ पे भी बेस 10 हो गया, यहाँ पे भी बेस 10 हो गया। अब इसका वैल्यू अगर किसी को पता है तो आप इसका वैल्यू डाल दो, इसका वैल्यू पता है तो इसका वैल्यू डाल दो। ये रूल नंबर 9 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है
कंसिडरिंग एज अ मैथ्स टीचर मैंने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया हुआ है कि जब भी हम अपने बेस का पावर इस तरीके से चढ़ाते हैं तो लॉग और हमारा बेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं और फाइनली ये आंसर आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा 10 का एग्जांपल देता हूँ। 10 हमेशा इजी होता है करने में। 10 टू द पावर लॉग लेफ्ट से यहाँ पे 1000 लिख दिया मैंने और ये बेस 10 है। ठीक है, तो आप पहले इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 टू द पावर ये 3 हो जाएगा व्हिच इज़ इक्वल टू 1000। तो देखिए हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ पे एन का वैल्यू 1000 के साथ और एंड किए एन के वैल्यू के साथ आंसर। ठीक है, तो ये होता है इसका ज़्यादा यूज़ इसमें होता है कि जब हम ई टू द पावर लॉग कुछ भी करते हैं, ई टू द पावर लॉग एक्स करते हैं तो ये आंसर एक्स में आती है। यहाँ पे मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मतलब बेस बेसिकली यहाँ पे क्या है, ई है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि ई और लॉग जो है अपने आप को एक दूसरे से कैंसिल करते हैं। एक तरह से आप उस तरह से समझ लीजिए कि ई और लॉग एक दूसरे से अपने आप को कैंसिल करते हैं तो हमारा आंसर जो है एक्स आता है। तो ये एक यूज़ है। अगर ऐसा कुछ लिखूँ इसमें क्या, देखिए बेस में भी पावर चढ़ा हुआ है और यहाँ पे भी पावर चढ़ा हुआ है तो ये जो है दोनों, मैं इसमें बोला था कि ये पावर को जब आप हटाओगे तो ये न्यूमरेटर बढ़ के मल्टीप्लाई होता है और ये वाला पावर जब हटाते हैं तो वो डिनोमिनेटर बन के मल्टीप्लाई होता है। तो ये n बाई एम उस कारण से हो गया और लॉग ये बेस a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। ये मतलब पिछले जो रूल्स मैंने बताए थे उनमें से दो रूल्स आप पिक करोगे, जहाँ पे मैंने पावर पहले बेस का ही पावर हटाया था और एक यहाँ पे भी पावर मैंने हटाया था, तो वो दोनों रूल्स को मिला के ये रूल बेसिकली बन रहे हैं। तो इसमें ऐसा कोई समझाने वाली बात नहीं है। तो इतना जो चीज़ मैंने बताया है, ये 10 रूल्स इक्वलिटी के रूल्स हैं। इनइक्वलिटी के रूल्स अलग हैं, वो सब मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो हम लोग इस वीडियो में हो सकेगा तो इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, नहीं तो अगले वीडियो में उसको बताऊँगा। इन रूल्स को यूज़ करके आप बेसिकली लॉगरिथम के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो जो इक्वलिटी पे बेस्ड हैं।